फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आज क्लास फिफ्थ में जो आपको वर्कबुक प्रोवाइड की गई इंग्लिश की लर्निंग आउटकम आधारित मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसको लेकर एक सीरीज कंटिन्यू आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल में चला रहे हैं, जिसमें हम आपको जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको इंग्लिश समझने व पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम E412 की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, E412 में हमें कार्डिनल और ऑर्डिनल जो दो शब्द हैं, है ना, उनके बारे में जानने मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे वन, वन यानी एक होता है, तो वो क्वांटिटी के बारे में बताता है कार्डिनल शब्द, जबकि जो ऑर्डिनल होता है वो ऑर्डर के बारे में बताता है। जैसे यदि आप अपनी कक्षा में सातवें नंबर की डेस्क में बैठते होंगे, यानी सेवन्थ नंबर की, या सेकेंड नंबर में बैठते होंगे, तो ये आपकी रैंक होगी ना। 10 लड़कों में यदि आप सातवें नंबर पर बैठते होंगे, ये आपकी रैंक हो गई। लेकिन यदि जो 10 संख्या बताइए, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, ये क्वांटिटी हो गई। जबकि आपको ऑर्डर पूछा जाएगा कि आप 10 विद्यार्थियों में आप कौन से नंबर पर बैठते हैं, वो ऑर्डिनल कहलाता है। जहाँ क्वांटिटी की बात हो वो कार्डिनल कहलाता है, और जहाँ ऑर्डर की बात हो, यानी जहाँ आपकी रैंक की बात हो कि आप किस नंबर पर कहलाते हैं, वो ऑर्डिनल कहलाता है। आया समझ कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस? कार्डिनल क्वांटिटी और ऑर्डिनल आपकी ऑर्डर या रैंक बताता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, देखते हैं। चलो, वन यानी एक, ये कार्डिनल है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर को बताता है। टू यानी दो, सेकेंड ऑर्डर को बताता है। थ्री क्वांटिटी, थर्ड ऑर्डर को। फोर क्वांटिटी, फोर्थ ऑर्डर को। फाइव क्वांटिटी और फिफ्थ ऑर्डर को। फाइव यानी क्या होता है, पाँच। उसी प्रकार सिक्स क्या होता है, क्वांटिटी को बताता है और सिक्स ऑर्डर को। सेवन किसको बताता है, क्वांटिटी को बताता है और सेवन्थ ऑर्डर को। एट क्वांटिटी को और एट ऑर्डर को। नाइन क्वांटिटी को और नाइन्थ ऑर्डर को। और टेंथ क्वांटिटी को और टेंथ ऑर्डर को। आया समझ? नौ यानि नाइन यानि नौ। उसी प्रकार से अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट और लास्ट के बारे में भी हमें समझना है। नेक्स्ट यानि जैसे मान लो कि हमने बोले कि नेक्स्ट टू रोहन, यानि रोहन से अगला, यानि रोहन के जस्ट आगे जो खड़ा होगा वो नेक्स्ट हो गया, ठीक है। लास्ट यानि सबसे अंतिम में जो खड़ा होगा रोहन से, सबसे लास्ट में उसकी, उसमें उसको हम लास्ट बोलते हैं। वो आपको एग्जांपल से और समझ में आएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आरिफ इज सिटिंग, यानी आरिफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू गोपाल। आरिफ किसके आगे बैठा हुआ है, गोपाल के आगे। डेविड इज सिटिंग एट द लास्ट, डेविड कहाँ बैठा हुआ है, सबसे लास्ट में। आया समझ? बढ़े आगे की तरफ। अब एक्टिविटी नंबर वन है, उसमें हमें कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स को फिलअप करना है, ठीक है ना। जिसमें हमें एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें सही मतलब जो कार्डिनल वर्ड आएगा या ऑर्डिनल, उसे फिलअप करना है। जैसे ब्लैंक मंथ ऑफ द ईयर जनवरी, ब्लैंक जो ईयर है जनवरी कौन सा ईयर है, द फर्स्ट है या वन। वन तो क्वांटिटी हो जाएगी, वो ऑर्डर पूछ रहा है, तो क्या जाएगा, द फर्स्ट। उसी प्रकार फ्राइडे इज द ब्लैंक डे ऑफ द वीक, फ्राइडे कौन सा डे है, मतलब हमें क्या क्वांटिटी बताना है, ऑर्डर, ऑर्डर बताना, तो कौन सा है, फिफ्थ, द फिफ्थ आ जाएगा। कृष्णा इज द ब्लैंक सन ऑफ हिज पेरेंट, अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, फिर से वही बताना है, क्या ऑर्डर, कौन सा थे, सेकेंड सन थे। देयर वर ब्लैंक बॉयज इन द रूम, अब देयर वर, अब यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है, कितने लड़के थे रूम में, 10, और कौन सा रूम था वो, फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। यहाँ पे ऑर्डर हो गया और यहाँ पे क्वांटिटी हो गई। उसी प्रकार आगे की यदि हम बात करें, तो फिफ्थ नंबर है कि ब्लैंक में, ब्लैंक मैन केम आउट बट आई ने ओनली ब्लैंक मैन, यानी कितने आदमी, क्वांटिटी पूछ रहा है, तो सेवन, और लेकिन तुम इन सात आदमी में से कौन से आदमी को जानते हो, सिर्फ सेवन्थ को, तो यहाँ पे ये ऑर्डर बता रहा है। आया समझ? बढ़े आगे की तरफ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। एक्टिविटी टू में हमें क्या करना है, एक्टिविटी टू में सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम देखें। अब देखो, ये बॉल है, ये मैंगो है, ये बुक है, ये पेन है और ये टेबल है। अब इनका ऑर्डर देखो, बॉल का नंबर फर्स्ट है, फिर मैंगो का नंबर सेकेंड है, बुक का नंबर थर्ड है, पेन का नंबर फोर्थ है और टेबल का नंबर फिफ्थ है। अब इसी के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। जैसे द बुक इज एट द फोर्थ प्लेस, बुक चौथे नंबर पे है क्या, बताओ जल्दी से, थर्ड नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैंगो इज एट द सेकेंड प्लेस, मैंगो सेकेंड में है, तो ये राइट हो जाएगा। पेन इज एट द लास्ट प्लेस, पेन लास्ट में है क्या, नहीं, ये फोर्थ नंबर पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टेबल इज नेक्स्ट टू पेन, टेबल किसके आगे है, पेन के आगे है, सही है क्या, ये राइट हो जाएगा। द बॉल इज एट द फर्स्ट प्लेस, बॉल फर्स्ट प्लेस में है क्या, तो फर्स्ट प्लेस में है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ें आगे एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर थर्ड है, एक्टिविटी नंबर थर्ड में आपको मंथ के नाम दिए गए हैं और उनका ऑर्डर मैच करना है कि वो कब आते हैं। जैसे जनवरी,
कब आता है? फर्स्ट मंथ है तो फर्स्ट से मैच करेंगे, मार्च थर्ड है तो थर्ड से मैच करेंगे, दिसंबर सबसे आखिरी में आता है तो उसको हम लास्ट से मैच करेंगे, मई फिफ्थ मंथ है तो उसको हम फिफ्थ से मैच करेंगे, फिफ्थ यानी पाँचवा, जुलाई सेवन्थ मंथ है तो उसे हम सेवन्थ से मैच करेंगे। यहाँ पर हमें ऑर्डर बताना था, ठीक है। बढ़े आगे की तरफ, एक्टिविटी नंबर फोर में हमें सर्किल जो लगे हैं ना नीचे दिए गए सर्किल को ध्यान से देखना है, और मतलब ये सर्किल को देखो ध्यान से, और उसके आधार पे आपको क्या करना है, आंसर करना है क्वेश्चन के, ठीक। मैं पहले बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। देखो रो नंबर वन की बात करें तो यहाँ रवि का नाम लिखा है थर्ड सर्किल में, रो नंबर टू की बात करें तो यहाँ सुमन का नाम लिखा गया है फर्स्ट सर्किल में, और लास्ट में फिफ्थ नंबर के सर्किल में आरिफ का नाम लिखा गया है। रो नंबर थर्ड में, रो का मतलब होता है लाइन बोल सकते हो ना, तो फर्स्ट सर्किल में डेविड का नाम और सेकंड में ये सेकंड में नाम थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है शायद, मतलब ये भी किसी का नाम लिखा हुआ है, बाकी तीनों सर्किल खाली हैं, वो हमें नीचे समझ में आ जाएगा। अब इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ना, ये ब्लैंक है, ध्यान से देखना। एट विच प्लेस इज रवि सिटिंग इन नेक्स्ट, इसका क्या है, रवि सिटिंग एट द ब्लैंक नंबर इन रो, ठीक है। अब इसमें थ्री आएगा या थर्ड आएगा, ठीक। देखो थ्री तो क्वांटिटी हो गई और थर्ड क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, तो रवि किसके मतलब रवि लाइन में कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, थर्ड नंबर पे, कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, थर्ड नंबर पे। फिर नेक्स्ट है इन विच रो सुमन इज सिटिंग, फर्स्ट या लास्ट, सुमन कौन सी रो में बैठी हो गई, पहली लाइन में या आखिरी में, तो सुमन इज सिटिंग इन द ब्लैंक रो, कौन सी रो में बैठी थी वो, पहली रो में, तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा। एट विच प्लेस इज आरिफ सिटिंग नाउ, आरिफ इज सिटिंग एट द ब्लैंक इन रो सेकेंड, रो सेकेंड में आरिफ कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट में या लास्ट में, तो लास्ट में, आया समझ। बढ़े आगे की तरफ, फोर्थ वाला है आपका, वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ रुचि विथ रिस्पेक्ट टू डेविड, यानी डेविड से तुलना करने पर रुचि किस स्थान पर दिखाई पड़ती है, तो रुचि कहाँ बैठी हुई है, डेविड से आगे की तरफ, क्या आगे के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, नेक्स्ट, रुचि सिटिंग नेक्स्ट टू डेविड। फिफ्थ नंबर का है, एट विच प्लेस इज सुमन सिटिंग इन रो सेकेंड, कौन से स्थान पर सुमन जो है वो रो सेकेंड में बैठी हुई है, तो कहाँ बैठी है, वो फर्स्ट नंबर पर बैठी है, सुमन इज सिटिंग एट द फर्स्ट नंबर इन रो सेकेंड, आया समझ। बढ़े आगे की तरफ, आपको पिक्चर देख के इसके आंसर करना था और कुछ नहीं करना था। अब एक्टिविटी फिफ्थ, इसमें आपको सेंटेंस को पूरे करना है, यहाँ पे आपको वीक के नेम दिए गए हैं, उसके आधार पे आपको फिलअप करना है, जैसे देर आर कितने, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सेवन डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, सेवन, तो उन्हीं के नाम दिए गए हैं जिसके आधार पर आपको क्या करना है, इन्हें फिलअप करना है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मंडे, मंडे कौन सा डे वीक का, फर्स्ट डे है, मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक। ट्यूजडे कौन सा डे है, सेकेंड डे है। वेडनसडे थर्ड डे है। थर्सडे फोर्थ डे है। फ्राइडे यानी शुक्रवार फिफ्थ डे है। सैटरडे यानी शनिवार सिक्स्थ डे है। और संडे सेवन्थ डे है, हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटीज़ में हमने क्वांटिटी, यदि हमें क्वांटिटी का उपयोग करना है तो हम कॉर्डिनल वर्ड का उपयोग करते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर, ये क्वांटिटी बताते हैं। जबकि हमें रैंक का, रैंक बताना हो कि इस रो में आपके, आप इस नंबर पर बैठते हैं, यानी आपका ऑर्डर बताना हो, तो हम ऑर्डिनल वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है, इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, और यदि आपने आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके।